इनका जो ग्राफ है लार्जर देन लाइफ है, कहीं भी नहीं है कि कृष्ण भगवान ने ऐसा कहा था। डेफिनेटली उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है, प्रॉपर बॉक्स ऑफिस का पर्दाफाश हम आपसे जानना चाहते हैं। अमेरिका को इन्होंने टच किया है विद अ डिफरेंट एंगल। फैंस लोग चिल्लाते हैं अरे पिक्चर ने 700 करोड़ कर लिया, 1000 करोड़ कर लिया, लेकिन एक्चुअली आता है, एक जमाना था कलेक्शंस पकड़ लेते थे हम थिएटरों से फोन करके, या DCR मिल जाता था। अभी मतलब 650 करोड़ निकालने के लिए बिजनेस हैज टू बी। सारे प्रभास के फैंस को मैं कह दूं कि यहाँ पे आप वीडियो बंद कर सकते हो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों हमारे साथ में हमारी इंडस्ट्री की फेवरेट जोड़ी आ गई है, राजीव चौधरी जी एंड नरेंद्र गुप्ता जी, इन द इनसाइड रिपोर्ट शो। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। टू बॉलीवुड प्रेमी, काफी लोगों का इंतजार था आप दोनों का रिव्यू जानने के लिए ऑन द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म कल्कि 2898 AD, एंड काफी मिक्स रिस्पॉन्स आया है इस फिल्म के लिए मीडिया की तरफ से। किसी को बहुत ज्यादा पसंद आई, किसी को बहुत एवरेज लगी पिक्चर। जी हाँ, लेकिन हम आप दोनों से जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा राजीव जी से। सर, पिक्चर कैसे लगी आपको, रिपेल स्टार प्रभास की कल्कि? देखो, फिल्म कल्कि का मेरे को तो ओवरऑल फिल्म टेक्निकली बहुत प्यार से बनाई है, उसने मेहनत जरूर की है अश्विन नाग ने, मगर ऐसी चीजें हमने बहुत देख ली है अभी। ठीक है, हिंदी फिल्मों में आप कोशिश कर रहे हो कि मैं टेक्निकली बहुत ज्यादा हॉलीवुड की भी टक्कर देने वाली फिल्म बना रहा हूँ, बट हॉलीवुड की भी फिल्में आज डब होके आ रही है हिंदी में, मद्रासी में, तो पीपल आर सीइंग, एवरीबॉडी नोज ऑल दिस। मेरे को जो इसमें लगा कल्कि में, आपने दिखाई है कि सब में इतनी पावर्स आ गई हैं, दोनों अमिताभ बच्चन और ये इतने पावरफुल है, इतनी दिव्य शक्ति है, मगर एंड में जब वो बचाना है दीपिका को तो हाथ पकड़ के खींच रहे हैं, ऐसे उड़ रहे हैं, मार रहे हैं, जंप मार रहे हैं, इतने पावरफुल है, कुछ जगह कुछ चीजें सिली लगी है। दूसरा मेरे को जो बहुत खराब लगा, दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन, कि आफ्टर सो मेनी ईयर्स वी आर शोइंग सो बैकवर्ड द वर्ल्ड इज, मतलब क्या है ये, 6000 साल आगे चले, क्या इज इट अ तालिबान राज की औरतें इतनी बुरी तरह से ट्रीट हो रही है, हम यहाँ औरतों को रोज ऊपर बना रहे हैं, रोज नए लॉज बन रहे हैं, डिजिटल इंडिया क्या डिजिटल वर्ल्ड होने जा रहा है, करेंसी यहाँ दिखा रहे हो आप, यूनिट्स लेके घूम रहे हैं, यूनिट्स दे, तो आर वी गोइंग बैकवर्ड, ये तो मुझे लगा हम लोग पीछे जा रहे हैं। मेरे को कुछ उनकी कारें वारे भी कोई इतनी मॉडर्न या इतनी एडवांस नहीं लगी। आई फाउंड इट रिग्रेसिव, आई फाउंड इट काइंड ऑफ डिस्करेजिंग। द वर्ल्ड कांट बी सो डिस्करेजिंग, व्हाई डोंट वी शो ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड, व्हाई डोंट वी शो दैट वर्ल्ड हैज बिकम अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड। उल्टा दिखाओ यार कि औरतों ने टेक ओवर कर लिया, आदमी तकलीफ, तो भी अच्छा लगेगा हमको कि कुछ मॉडर्न आया, कुछ नई बात आई, दिस इज नथिंग न्यू। और दूसरा मुझे जो सबसे बुरी बात लगी, जो मुझे लगा कि हमारे हिंदू एपिक महाभारत को आप मत टच करो यार, जो चीज सदियों से चलती आ रही है, कहीं भी नहीं है कि कृष्ण भगवान ने ऐसा कहा था कि फिर से मैं मणि लूंगा, और कहीं भी नहीं है कि कर्ण फिर से आ जाएगा, आगे जाके बताएंगे कि अर्जुन भी आ गया, लकीली हर्ट नहीं किया लोगों को, बट दिस इज नॉट अ फैक्ट एनी वे, कोशिश की है। बट ओवरऑल जो मेरे को फिल्म लगी फर्स्ट हाफ में, तो इट इज वेरी स्लो, बहुत जगह नींद आती है, सो जाता है आदमी, इलॉजिकल लगती है बहुत जगह। ठीक है, उसने बचा लिया अपने आप को कि मैं ये आपको फ्यूचरिस्टिक फिल्म बता रहा हूं, तो आप मत एनालाइज करो कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, गाड़ियां ऐसी क्यों, वो आप इमेजिन करो, ये मेरी दुनिया है डायरेक्टर की। सेकेंड हाफ में पिक्चर पिकअप करती है, वो भी थोड़ी देर के बाद, इमीडिएटली नहीं, थैंक्स टू अमिताभ बच्चन परफॉर्मेंस, पीपल लव, नॉर्दर्न इंडिया लव्स, इंडिया लव्स अमिताभ एज एन एंग्री ओल्ड मैन, हैज ऑल्सो कम अप नाउ, ही इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। साथ में प्रभास, कमाल का काम किया, बट प्रभास का कैरेक्टर कंफ्यूज लगा, डायरेक्टर इज नॉट एबल टू रियली स्केच एंड डिजाइन हिम, ही इज नेगेटिव पॉजिटिव, व्हाट इज ही डूइंग, ही इज रनिंग अराउंड, बट बिकॉज ही इज अ ह्यूज स्टार, उसकी इतनी फैन फॉलोइंग है, परफॉर्मेंस अच्छी लगी उसकी। उनके जो सीन्स होते हैं और जो महाभारत से लिंक किए हैं सीन्स वॉर के, वहां पावर आती है फिल्म में, यू एंजॉय, उसी की वजह से फिल्म जितनी चलनी चाहिए थी चली। और ये मेरा, मेरे अगर शो में आपने देखा होगा, मैंने भी यही कहा था कि फिल्म की प्राइस 650 करोड़ वो कवर तो कर लेंगे,
बहुत से तरीके हैं, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर, इट इज नॉट गोइंग टू बी रिमेम्बर्ड एज अ ह्यूज फिल्म. चर्चा होती रहेगी, विवाद होते रहेंगे मन में लोगों के, अभी भी मिक्स्ड रिपोर्ट है, लोग खुश नहीं है, नोबडी इज सेटिस्फाइड. इट इज एन एवरेज फिल्म. इतना खर्चा करने के बाद अगर ये बनाना है तो आई रियली डोंट अप्रिशिएट इट टू दैट एक्सटेंट. बॉक्स ऑफिस पे भी मैं बात करूंगा सर डिटेल में. एवरेज फिल्म लगी है राजीव जी को. नरेंद्र जी, आपको कैसी लगी? पहली बात तो ये नाग अश्विन ने फिल्म बनाई क्यों? ना वो ढंग का साइंस दिखा पाए, ना फिक्शन दिखा पाए. एक कोशिश की माइथोलॉजिकल और साइंस को मिक्स करके एक कुछ नया रूप दिखाया जाए. वही जहां पांचवी स्टार्टिंग का महाभारत नजर आता है आपको और एंड में 15 मिनट, वो थोड़ा अपीलिंग लगता है. बाकी पूरी पिक्चर जो उन्होंने साइंस दिखाई है, जो फ्यूचरिस्टिक ड्रामा पेश किया है, ऐसी फिल्में हम लोग हजार बार देख चुके हैं हॉलीवुड की. 1975 में स्टार वॉर्स आई थी. ये सब कैरेक्टर्स या जो गैजेट से लोग खेल रहे हैं, लगता है कि बच्चे लोग के हाथ में एक कंप्यूटर गैजेट दे गया है, उससे जैसे कंप्यूटर गेम कैसे खेलते हैं, कंप्यूटर गेम चल रही है. बहुत ही निराशाजनक फिल्म है सिर्फ क्लाइमैक्स को छोड़ दिया जाए तो. जैसे राजीव सर ने कहा, फर्स्ट 90 मिनट्स इतने उबाऊ पकाऊ टॉर्चर रहे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि स्क्रीन पे चल क्या रहा है. जो टॉप के आर्टिस्ट हैं, चाहे वो प्रभास, अमित जी, दीपिका या कमल हसन, 90 मिनट्स में इनका स्क्रीन प्रेजेंस मुश्किल से दो दो चार चार मिनट था. लोग वेट कर रहे हैं उनका एक्शन देखने का. कितने कैरेक्टर भर दिए हैं, समझ में नहीं आ रहा है. बस फिल्म चली जा रही है, चली जा रही है. कभी तो मॉडर्न दिखा देंगे, कमल हसन का जैसे वो दिखाया है उनका कॉम्प्लेक्स. पिक्चर वाकई पूरी कॉम्प्लेक्स ही है, समझ में नहीं क्या चल रहा है. वो कॉम्प्लेक्स में इतनी सारी औरतें हैं, उनको प्रेग्नेंट बना दिया गया है, उसमें दीपिका भी है. जहां एकदम मॉडर्न है, वहीं जहां इसको ले जाते हैं दीपिका को बचाने के लिए, एकदम लगता है कि हम हजार साल पुराने विलेज में चले गए. एकदम क्या दिखाया का पहला और आखिरी शॉट क्यों दिखा रहे एग्जैक्टली समझ में नहीं आया. पूरी तरह से उसको भी मॉडर्न दिखाओ ना. अच्छे और कौन सोच सकता है कि महाभारत से 6000 साल के बाद क्या होगा? आप क्यों अपने पौराणिक तथ्यों से खिलवाड़ कर रहे हो? कई लोगों की धार्मिक भावनाएं डेफिनेटली हर्ट हुई होंगी. अब जैसे राजीव सर ने सही बताया, आपने कर्ण को जिंदा दिखा दिया है, प्रभास को कर्ण का कैरेक्टर दिखा दिया गया है. जहां अमित जी बचाना चाहते हैं एज ए अश्वस्थामा गर्भवती दीपिका को, वहीं कर्ण उसको ले जा रहे किडनैप करके. ये टोटली विरोधाभास था महाभारत का. ये पता नहीं कोई अलग ही महाभारत लिख डाली नाग अश्विन ने. रियली डिसअपॉइंटिंग लगा सर. प्रभास डेफिनेटली बहुत बड़े स्टार हैं उनकी. मैं अभी भी कायल हूँ उनकी फिल्म बाहुबली 1 और 2 का, जो 15 और 17 में आई थी, अभी भी टीवी पे आती है, मैं देखता हूँ. क्या औरत है प्रभास का. देखिए उसके बाद 4 जो फिल्में आई उनकी, आपकी साहू देखिए, राधे श्याम देखिए, आदि पुरुष देखिए, लेटेस्ट सालार देखिए, उन्होंने वाकई डिसअपॉइंट किया है. डेफिनेटली उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, स्क्रीन प्रेजेंस जबरदस्त है, बड़े स्टार हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने काफी निराश किया. अभी मैं आता हूँ बॉक्स ऑफिस पे. इसके पहले मैं सारे प्रभास के फैंस को मैं कह दूं कि यहाँ पे आप वीडियो बंद कर सकते हो, क्योंकि इसके आगे आप सुन नहीं पाओगे. प्रभास के फॉलोअर्स हैं यार, वी लव प्रभास, आई लव प्रभास. प्रभास इज सम वंडरफुल लुकिंग. उसका क्या कसूर है अगर कोई स्क्रिप्ट डायरेक्टर करेक्ट नहीं करता है? यहाँ पे हम देखा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सर, कंफ्यूजन है. कुछ लोग कह रहे हैं कि पिक्चर नहीं चल रही है, पिक्चर के कलेक्शन फेक है. कुछ लोग कह रहे हैं कि पिक्चर बम्पर कलेक्शन कर रही है, ओवरसीज में इतना कलेक्शन हो गया, इंडिया में इतना कलेक्शन हो गया, साउथ में ज्यादा चल रही है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है. प्रॉपर बॉक्स ऑफिस का पर्दाफाश हम आपसे जानना चाहते हैं. राजीव जी क्या लग रहा है आपको? देखो क्या है ओवरसीज की, जैसे आपने बात की, ओवरसीज में पहले किसी ने इतनी जोर से पेनिट्रेट नहीं किया था. नाग अश्विन इनकी जो प्रोडक्शन की सब फैमिली जो मेंबर्स है, ये अमेरिका में बेस्ड है. अमेरिका को इन्होंने टच किया है विथ अ डिफरेंट एंगल एंड इट हैज पेनिट्रेटेड वेल एवरीवेयर. जर्मनी में भी पहुंची है, टर्की में भी पहुंची है, दुबई में भी बहुत इमेंसली हैवीली रिलीज हुई है. देव पम्प्ड इन अ लॉट ऑफ मनी इन द कैंपेन एंड देव यूज देयर कॉन्टैक्ट्स फॉर इंटरनेशनल रिलीज. तो वहां रिलीज अच्छी हुई है. कलेक्शंस तो यार सोर्स ऑफ कलेक्शन यू कैन नेवर कैच नाउ. एक जमाना था कलेक्शंस पकड़ लेते थे हम थिएटरों से फोन करके,
या DCR मिल जाता था, अभी आप कैसे ना GST का सर्टिफिकेट मंगा सकते हो किसी का ना कुछ। तो जो बोलना चाहे बोलो, 700 करोड़ बता रहे हैं अभी तक हो गया, फिल्म की कॉस्ट प्राइस जो इन्होंने डिक्लेयर की है 650 करोड़ है, मतलब 650 करोड़ निकालने के लिए बिजनेस हैज टू बी 1300 करोड़, तब या 1400 करोड़ होगा तो 650 करोड़ थिएट्रिकल बॉक्स ऑफिस से निकलता है। अभी इन्होंने 700 करोड़ बताया, विच आई एम श्योर इट इज डेफिनेटली, प्लीज डोंट माइंड, इट इज डेफिनेटली एग्जैजरेटेड, आई कांट बी सो मच, इट कैनॉट बी सो मच, क्योंकि हम तो सबको ट्रैक देखते रहते हैं, मैं ट्रैक करता रहता हूँ, बुक माई शो, ये कितने थिएटर्स जिसमें मैंने देखा है कि सब सीटें खाली है मगर फुल बताया जा रहा है, बट वी कैनॉट ब्लेम एनीबडी बिकॉज दिस इज अ ट्रेंड नाउ, एवरीबडी इज ट्राइंग टू हाइप अप। साउथ में साउथ इंडिया के फैंस हैं उनके, वो पिक्चर की टिकट खरीद लेते हैं, यहाँ भी एक वेव बन गया है फीडिंग का, बिकॉज दे हैव टू शो द ब्रांड, ब्रांड बड़ा करना जरूरी है, तो वो उन्होंने सक्सेसफुली कर लिया, दे हैव डन अ वेरी गुड मार्केटिंग, दे हैव एस्टैब्लिश्ड दैट द फिल्म इज अ वो, मगर पब्लिक तो सब जानती है, अंदर से जो हवा फैल रही है, जो अंडर करंट है जनता का वो मिक्स्ड है, nobody is saying and nobody can say that it is a throughout super hit blockbuster. Prabhas ke fans obviously they love because Prabhas is too good in this, even I loved whenever he is on the screen, maza aata hai, Amitabh aata hai screen pe, maza aata hai. Soul end mein jaake kahin pakadta hai, aadmi bhavuk hota hai, involved hota hai 10-15 minute ke liye, 15 minute ke liye, can you sit down for the whole film? So I am 100% sure collections itni zyada hai nahi, ना हो सकती। राजीव यू को कलेक्शंस एग्जैगरेटेड लग रहे हैं, थोड़े से इन्फ्लेटेड लग रहे हैं। हमारे यहाँ पे अभी कहा जा रहा है कि हिंदी में बहुत ज्यादा चल रही है पिक्चर, और साउथ में जहाँ पे उनका खुद का इतना बड़ा स्टार है वहां पे पिक्चर कम चल रही है, क्या है असली कलेक्शन? देखिए बॉक्स ऑफिस के पहले मैं आपको ये बता दूं, फिल्म के प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट हमने बहुत सारे गिना दिए, फिल्म का जो ग्राफ है लार्जर देन लाइफ है, आप किसी भी हॉलीवुड फिल्म से डेफिनेटली इसको कंपेयर कर सकते हो ग्रैंजर के मामले में, जो सेट की डिजाइनिंग की है, VFX है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है, अमेजिंग। 90 डेज फिल्म शूट की गई रामोजी राव स्टूडियो में, सोचिए कितने बड़ा स्टूडियो, किस किस हद तक सेट लगाए उन्होंने, अमेजिंग। लेकिन जहां हम स्टोरी की बात करते हैं, स्टोरी पूरी तरह से नादारद है, एक काल्पनिक कहानी छोटी सी गढ़ी गई है। अभी ये फिल्म जो OTT पे आती है आपकी कल की, आपको अच्छी लगेगी, आपको समझ में नहीं आएगा, छोटे छोटे आपके गैजेट्स दिखाई देंगे, यू कैन नॉट एंजॉय। बड़े स्क्रीन पे आप डेफिनेटली फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। जहां बॉक्स ऑफिस की बात करते हैं, फिल्म की ओपनिंग थी 95 करोड़ की पैन इंडिया, काफी अच्छी थी डेफिनेटली, उसमें प्रभास के फैंस भर कर गए। आपको पता है ऐसे फैंस क्लब को कौन चलाता है? आर्टिस्ट ही चलाते हैं, भर भर का पैसा देते हैं, फैन लोग फ्री में देख के आते हैं। लेकिन आपको जान के शौक होगा, सातवें दिन वही फिल्म गिरकर आ गई 22 करोड़ पर, जिसमें साउथ का कलेक्शन है मात्र 8 करोड़, हिंदी 11 करोड़। क्या हो सकता है कि प्रभास, जिसका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है आंध्रा में और तेलंगाना में, वहां मात्र 8 करोड़ का बिजनेस करे पिक्चर सातवें दिन, वो भी और हिंदी में 11 करोड़, जबकि हिंदी दर्शकों ने प्रभास को काफी हद तक नकार दिया है। तो टोटल मेकर्स के अनुसार 390 करोड़ है सात दिनों का, आठवां दिन आज वैसे एक्सटेंडेड वीकेंड है, आज 400 करोड़ क्रॉस करेगी। अगर समझो 400 करोड़ क्रॉस करने के बावजूद अगर हम समझते हैं तो मेकर्स के हाथ में कितना आया? खाली 160 करोड़, 40% आता है। फैंस लोग चिल्लाते हैं अरे पिक्चर ने 700 करोड़ कर लिया, 1000 करोड़ कर लिया, लेकिन एक्चुअली आता है 40% टोटल कलेक्शन का कट कट आते हैं। तो 160 करोड़ आया, वहीं आप KGF से कंपेयर करेंगे तो KGF का 3 दिन का बिजनेस था 200 करोड़, 500 करोड़ लाइफ टाइम। मुझे नहीं लगता है कि 500 करोड़ या बाहुबली के इर्द गिर्द भी पिक्चर कल की पहुंच पाएगी। जैसे राजीव सर बोल रहे हैं, सही है, खींच ताज के OTT डिजिटल फेक कलेक्शन दिखा के कोशिश करेंगे ब्रेक इवन तक पहुंचे, लेकिन क्या जरूरत है जब इतनी बड़ी फिल्म बना रहे हो और फिल्म नुकसान में पहुंचे या ब्रेक इवन पे पहुंचे, तो तौबा ऐसी फिल्म बनाने से। सर इतना हाइप बना दिया कि लोग शायद जा भी रहे होंगे, फिर भी इतनी बड़ी भीड़ नहीं जा रही, इतना बड़ा कोई अवेकनिंग नहीं हो गया कि यार ओ माय गॉड वी शांट कांट मिस दिस फिल्म, वी हैव टू गो, ऐसा नहीं, बिकॉज मिक्स्ड रिपोर्ट है, वो बात और है, कलेक्शंस बहुत ज्यादा दिख रही है मगर इट इज नॉट अ ब्लॉकबस्टर एट ऑल। और हमारी मीडिया, फ्रेंकली बोलना नहीं चाहिए,
पता नहीं क्यों फर्स्ट डे कलेक्शन को देख के बोल रही है कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। डेफिनेटली पेड क्रिटिक है जिनको अच्छा खासा पैसा दिया मेकर्स ने। मैं आपको बता दूं, एक नहीं दो नहीं ऐसी कई फिल्में आई हैं जिनकी ओपनिंग हुई है 50 करोड़ के ऊपर की। थग्स ऑफ हिंदुस्तान आमिर साहब की दिवाली के दिन रिलीज थी, फोर्थ डे बिजनेस था मात्र 5 करोड़, क्रैश हो गई 90% बिजनेस क्रैश। वही इसी को हुआ कल की का 95 करोड़ कहां और कहां सीधा 20 करोड़। तो 80% ऑलमोस्ट कलेक्शन आपका ड्रॉप हुआ है सर 7 दिनों के अंदर। अगर आपकी फिल्म ब्लॉकबस्टर है आपको कम से सस्टेन रहना चाहिए या मैक्सिमम 30-40% ड्रॉप आना चाहिए। 80% ड्रॉप बहुत बड़ी बात है। वीकेंड डेफिनेटली सेकंड वीकेंड थोड़ा अच्छा रहेगा लेकिन इतना ब्लॉकबस्टर नहीं रहेगा कि यार फिल्म 1000 करोड़ तक टच कर जाए। तो दोस्तों ये थी असली और सच्ची बात ऑन कल की 2898 मीटिंग। रिव्यू भी सुना है आपने और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान के लिया है हमने राजीव जी और नरेंद्र जी से। कहीं ना कहीं ये पिक्चर का जब मैंने पब्लिक रिव्यू किया जी हाँ, तो मैंने देखा कि 70-30 का रेशो था। 70% लोग बाहर आके बोल रहे थे कि अच्छी लगी हमको पिक्चर ड्यू टू द विजुअल्स एंड ग्राफिक्स, और 30% लोगों को पिक्चर बिल्कुल समझ में नहीं आई और ना ही पसंद आया ग्राफिक्स। मेरा ये मानना है कि इसको शुरू में कुछ कमेंट्री आनी चाहिए थी कि आज से इतने सालों बाद फ्यूचरिस्टिक करेंसी यूनिट्स हो गई है, कॉम्प्लेक्स अड्डा है इनका जहां ये क्लिनिक, ताकि लोगों को समझ में आसानी हो। अचानक टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया ऑडियंस को, समझ जाओ भाई यूनिट्स पैसे हैं, पैसे का यहाँ तो डिजिटल वर्ल्ड होने जा रहा है, हु इज गोइंग टू काउंट यूनिट्स एंड ये कॉम्प्लेक्स। ये वो बड़ा अटपटा सा साउंड करता है कॉम्प्लेक्स यूनिट, तो यू आर नॉट गेटिंग अटैच्ड विद इट। आई डिडंट गेट, मेरे को तो कनेक्शन ही नहीं मिला। और फिल्म में रिपीट वैल्यू नहीं है कि आप रिपीट वैल्यू वापस जाए यार देखने के लिए, सवाल ही नहीं है सर। एंड शो पॉजिटिविटी, व्हाई टेक अस बैक, ब्रिंग अस अहेड यार। इमेजिन भी करना है तो प्रोग्रेस इमेजिन करो यार। और कहीं ना कहीं प्रभास, मुझे ऐसा लगता है कि ही इज अ बिग पैन इंडिया स्टार, नो डाउट, और उसको देखने के लिए टिकटें बिकी है, पब्लिक आई है। संडे के दिन का जो पब्लिक दिखी मुझे, तो मैंने भी यू नो सलार का दिन याद आ गया, जैसे सलार में भी भर भर के लोग आए थे। आई थिंक इट इज नो हेट टू प्रभास, प्रभास इज अ प्रभास और अमिताभ दोनों की वजह से तो चली है पिक्चर आई। एग्जैक्टली यस, थैंक्स टू, अगर नहीं होते तो इतना बिजनेस होता ही नहीं। जो भी 4 दिनों का वीकेंड बिजनेस मिला है कंटेंट पे, ये बिजनेस नहीं होता। दिस इज ओनली बिकॉज़ ऑफ प्रभास एंड अमिताभ। जो भी 4 दिन का अच्छा वीकेंड मिला है आपको फर्स्ट 4 डेज का, थर्सडे टू संडे, डेफिनेटली अमित जी और प्रभास की बदौलत ही मिला है। अगर इसमें कोई नया स्टार कास्ट होता तो डेफिनेटली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फर्स्ट डे स्वाहा हो गई होती। ये तो स्टारडम है प्रभास का और अमित जी का कि फिल्म वेरी ऑर्डिनरी होने के बावजूद इतनी अच्छी ओपनिंग सुनने पर सुहागा जैसी फीलिंग रहती है कि यू आर अटैच्ड विद इट। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आप दोनों को फॉर योर ऑनेस्ट रिएक्शन ऑन द बॉक्स ऑफिस ऑफ कल की 289।